तां हुण खबर सरहद तो है जिथे पाकिस्तान रेंजर ने 6 पंजाबियों नूं गिरफ्तार किया। ड्रग ते हथियार समेत इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। लुधियाणा, फिरोजपुर ते जलंधर दे नाल इह मुलज़म संबंधित सीगे। पाकिस्तान वाले पास्यों अक्सर नशा पंजाब दी सरहद दे विच दाखल हुंदा है। इस तरह के इल्जाम जिहड़े पाकिस्तान दे उत्ते लगदे आ, पर हुण पाकिस्तान दे रेंजरां ने सरहद नेड़े तो 6 भारतीय तस्करां की गिरफ्तारी की है। वह पाकिस्तान के नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। 4 समगलर जिन्हां दे विच नाम जिहड़े आ गुरमेज, शिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह ते विशाल ये शामिल ने। फिरोजपुर तो जिहड़ा इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है उसके नज़दीक सरहद की गिरफ्तारी की गई है। रतनपाल सिंह जलंधर के नाल संबंधित है, तो गुरविंदर सिंह लुधियाणा के नाल संबंधित दसिया जा रहा। तो तस्वीर तुम जो अपनी टीवी स्क्रीन के उत्ते वेख रहे हो उन्हां तस्करां दीआं जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया रेंजरां दे वल्लों। तो ये गिरफ्तारी जो तस्करां दी हुई है ये 6 तस्वीर उन्होंने तुम वेख रहे हो जिन्हां की पहचान भी पुलिस के वल्लों दसी गई है कि नशे ते नाल दी नाल जो ड्रग जिहड़े हथियार सीगे वो सप्लाई करदे सी। तां साडे नाल सीईओ जगदीप सिंह संधू भी जुड़े है, उन्हां तो इस बाबत जानकारी जिहड़ी है वो लवांगे कि कित्थों गिरफ्तारी हुई ते इस मामले दे विच होर की कोई जानकारी जिहड़ी है पुलिस दे वल्लों दित्ती गई है। जगदीप जी, ये जो गिरफ्तारी हुई है नशियां दा मसला आपां अक्सर इहदे ते गलबात करदे रहिंदे आ कि वड्डा है पंजाब दे लई। पाकिस्तान वाले पास्यों भी बयान आउंदा कि सरहद पार नशे भेजे जा रहे हैं। हुण पाकिस्तान दे रेंजरां वल्लों ये गिरफ्तारी की गई है, 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए ने, की कुछ तमाम जानकारी है इन्हां नूं लैके? देखो जतिंदर, जो पाकिस्तान दे रेंजर्स दा उन्होंने दावा किया कि जुलाई 29 तो लैके अगस्त 3 दे विच उन्होंने 6 भारतीय जिहड़े स्मगलर ने उन्होंने अरैसट किया और उन्होंने तो हथियार और जिहड़ा ड्रग्स है वो बरामद किए गए। लेकिन बड़ी हैरानी की गल है क्योंकि पहली बारी पहला स्मगलर ने वो पाकिस्तान जाके कुछ स्मगलिंग करेंगे क्योंकि जो ट्रांजिट रूट है जो ड्रग्स का वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जी हीरोइन है वो उसे बन रही है और उतों पाकिस्तान के जरिए भारत आदि ने भारत के तो फिर जी अगे बाकी देशों में भेजी जाती है। लेकिन बड़ी हैरानी की गल है कि जे अगर 6 जड़े पंजाबी ने वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा रहे हैं और हथियार और उतों सप्लाई कर रहे हैं हीरोइन, ये बड़ी साहसोहनी गल जी लग रेंजर्स है। उन्होंने दावा किया है कि BSF की मिली भुगत दसना चाहूंगा कि आम तौर से जोड़ा पंजाब का बॉर्डर है 557 किलोमीटर लंबा पंजाब का बॉर्डर है जोड़ा जम्मू कश्मीर तो बाद पंजाब पठानकोट जिले तो शुरू होंगे, पठानकोट तो बाद गुरदासपुर की गल करिए अमृतसर की गल करिए तरन तारण की गल करिए फिरोजपुर फाजिलका, सो ये 6 जिले जोड़े है पाकिस्तान के नाल लगते हैं। तो चप्पे चप्पे से BSF जी है वो तैनात है। इस तो अलावा जी कंडियाली तार है जिस विच करंट छड़ा जाता है वो बकायदा उसे लगाई गई है। हालांकि जो बारिश हुई अजकल जो हड़ आए हैं उस तो बाद कई जगह से जी तार है वो जी रुड़ भी गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई पंजाब के बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचे। ये जी है गला जी गल है गले तो उतर नहीं रही क्योंकि असी देखिया कि शायद पहला मौका होगा अतवाद वेले जरूर थी जो पंजाब अतवाद का दौर थी उदों कंडियाली तार नहीं थी होंगी, अक्सर पंजाब के स्मगलर जोड़े आ क्रॉस कर जाते थे बॉर्डर, लेकिन जब भी जी तार लगी है उस तो बाद नैक्सट इंपॉसीबल है कि जोड़ा कोई शख्स जोड़ा बॉर्डर क्रॉस कर दे BSF की परमिशन तो बिना। जोड़े किसान बकायदा जोड़े खेती करते हैं कंडियाली तार तो अगे उन्होंने बकायदा एक रजिस्टर लग्या हों जे किसान गार्ड होंगे BSF के वो एंट्री करते हैं और शाम को उन्हों की एग्जिट पाते हैं। तो मैं नहीं लगता कि BSF कभी इस तरह भेज सकती है और जो पाकिस्तान का दावा है कि 6 जड़े पंजाबी ने जोड़े वो क्रॉस करके गए हैं बॉर्डर और हथियार स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं उस विच कोई सच्चाई नहीं लगती। बाकी जी भारतीय सरकार है वो भी इस जड़े मुद्दे उठा रही है पाकिस्तान सरकार नाल कि आखिर ये कौन लोग ने और असं भी कोशिश करा कि जोड़े जोड़े लोग आइडेंटिफाई किए गए लुधियाणा के उन्होंने उन्होंने फैमिलीज जड़िया ने उन्हों तो आखिर पता लगेगा कि आखिर पाकिस्तान किमें गए हो और आखिर किमें उस तक पहुंचे किसकी मदद हुई कि वो जोड़े स्मगलर्स है वो हथियार लैन जा सकते हैं ड्रग लैन जा सकते हैं, लेकिन भारत तो हथियार या जी नशे की सप्लाई है वो पहली बारी पाकिस्तान जी है वो देखी जा रही है और बड़ा ही हाथों ही ना बयान जोड़ा है
जगदीप जी, एक चीज़ होर है कि जेकर उन्हां दी पहचान हो जाती है, जे मान लो कि परिवारक मैंबर उन्हां दे सामने आ जाते, पता लग जाता कि इतों के नाल संबंधित सीगा, फिर कुछ ना कुछ स्थिति क्लीयर हो जूगी जरूर, पर की ये पिछे अगर जे इन्हां दी आइडेंटिटी नहीं पता लग सकती तो फिर की लगता ये पिछे की मंशा हो सकती है पाकिस्तान की अजिहा करने लई? मैंने कहावत याद आ रही है कि उल्टे बांस बरेली में, यानी कि बरेली से जड़े बांस होंगे है उतों पूरे इंडिया में सप्लाई होंगे, और अगर बरेली में कोई बांस वेचन चला जाए शायद उन्होंने मुक्ता कहानी एक जग जाहिर है कि पाकिस्तान जोड़ा है वो लगातार पंजाब के इंडिया में नार्को टैरिजम फैला रहा है। असं कल देखा कि पंजाब पुलिस और BSF के जॉइंट ऑपरेशन ने 150 करोड़ रुपए की हीरोइन जी लगभग 30 किलो हीरोइन थी वो बरामद की थी, शायद उन्होंने काउंटर करने क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जेडे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जेडे पाकिस्तान की साइड तो अक्सर स्मगलर जेडे है वो हीरोइन पंजाब भेजते हैं। तो बड़ी हैरानी की गल है कि पहली बार पाकिस्तान ने दावा किया, शायद इंटरनेशनल जेडे लैवल से पाकिस्तान तो जी बदनामी का दाग लग्या होया कि वो ड्रग पंजाब भेजते हैं, शायद उन्होंने काउंटर करने लिए यह जी चाल चली गई हो। लेकिन सवाल वड्डा जरूर है कि जेडे 6 शख्स जेडे दिखाए जा रहे हैं वो उत्थे किवें पहुंचे, हालांकि जी भारत सरकार है उन्हें भी जवाब दी है कि आखिर ये 6 लोग की वाकई पंजाबी ने ज इंडियन ने, इस बारे जी है वो जांच जी है की जा रही है। सो फिलहाल जेडे पाकिस्तान सरकार है उन्होंने 4 स्मगलर का नाम गुरमेत सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह किया जा रहा है, छिंदर सिंह सन ऑफ गोरा सिंह, जोगिंदर सिंह सन ऑफ ठाकुर सिंह, विशाल सन ऑफ जग्गा, ये सारे फिरोजपुर से दसे जा रहे हैं। इसके अलावा रतनपाल सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह जेडे जलंधर के दसे जा रहे हैं, और गुरविंदर सिंह सन ऑफ मुख्तार सिंह ये लुधियाना दसे जा रहे हैं। सो 6 दसे पंजाबी ने हूँ उत्थे किवें पहुंचे, आखिर किस मंशा ना पहुंचे, किवें पहुंच चुके, पाकिस्तान अथॉरिटीज BSF का नाम लै रही है, और जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी भारत की है बहुत ही प्रोफेशनल जी एक फोर्स है और चप्पे चप्पे से तैनात है, उन्होंने मर्जी तो बिना मैं नहीं लगता कि जी कोई जोड़ा पत्ता भी है वो जोड़ा एक पत्ता भी हिल सकता है, और मैं लगता नहीं है कि किसी तरह भी जोड़े आ स्मगलर्स है उसे जा सकते हैं। जी ठीक है जगदीप जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। गफारी भी साडे नाल जुड़े आ, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने, उन्हां तों भी इस बारे जाणांगे। जावेद जी ये क्लीयर करियो स्थिति, क्योंकि इत्थे हाले भी जिहड़ी आ ओह 605 बनी हुई आ कि आखिरकार जिहड़े चढ़दे पंजाब दे नाल संबंधित ये दसे जा रहे हैं कि कुछ व्यक्ति उत्थे फड़े गए ये नशे दे ते हथियार की तस्करी के मामले के शामिल सीगे, ये गल जिहड़ी आ ओह मन्नी नहीं जा रही, क्योंकि अक्सर जिक्र इस गल का होंदा कि पाकिस्तान वाले पासे नशा जिहड़ा ओह चढ़दे पंजाब दे विच आउंदा है ते इत्थे फिर अगे सप्लाई होंदा वख-वख थावां दे उत्ते, फिर इधरों उस पासे वल जाणा और उत्थे जाके गिरफ्तारी हो जाणी, इस दे विच किन्नी क सच्चाई है कि सरकार उधर दी कहिंदी है इस नूं लैके? तो दोबारा कोशिश करते हैं उन्होंने नाल संपर्क बन सके तो इस मामले के बारे पूरी जानकारी लै सकी है, पर फिलहाल 6 जिहड़े व्यक्तियों की तस्वीर जारी की गई है जिन्हां नूं पाकिस्तान की सरकार जिहड़ी है वो ये आख रही है कि ये तस्कर सीगे, ये तस्कर ने और इन्हां दे उत्ते इल्जाम ने कि इन्हां दे वल्लों सरहद ते जिहड़ा नशा ते दूसरा हथियार वो सप्लाई किए जाते हैं। तो साढ़े नाल जगदीप जी लगातार बने हुए है। जगदीप जी वैसे आप जावेद जी तो भी जानने की कोशिश करा, उन्होंने तो भी पूछा कि इस दे विच सच्चाई कितनी है, सरकार जी उतों की कहती है, पर इस सारे हुण किवें वेख्या जाए? एक पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान ये बयान देंदे कि ड्रोन के राही जो नशा इधर तो उधर जाता या उधरों आता तो उस बाबत एक आइडेंटिटी होनी चाहिए है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए ता जो पता लग सके, इस तों अलावा उधर के बयान भी आते हैं सियासतदानों के, इधरों भी बयानबाजी होंगी है, नशे का मुद्दा तो वड्डा ही है, पर इस सारे दे उत्ते फिर जे आप देखिए तो यदा की सिट्टा की निकलता की मतलब निकलता? सिंदर देखो जो शुरुआती जांच है उसकी सामने आई है कि थानू याद होएगा कि हड़ा के दौरान 2 शख्स जोड़े है वो पाकिस्तान रुड़ के पहुंच गए थे, जग जाहिर है और थानू भी याद होएगा कि कुछ दिन जोड़े है जी फिरोजपुर चौकी थी उत्थे फ्लैग मीटिंग भी हुई थी पाकिस्तान रेंजर्स और BSF की, उस वे एक फैसला किया गया कि उन्होंने वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने माँ बाप रोज उत्थे बॉर्डर से जाते हैं लेकिन वो बच्चों वापस नहीं किया जा रहा। सो यह भी दावा किया जा रहा भारत सरकार वालों के जोड़े 2 शख्स जोड़े ने जोड़े दावा किया जा रहा है 6 लोगों के बीच में
वो भी जेड़े है उन्होंने नाम भी इन्हों शामिल है। हालांकि जी पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि नहीं की, लेकिन बड़ी वही गल है कि अगर जेडे हड़ा च दो शख्स रुड़ के गए थे उन्होंने अगर पाकिस्तान ने जोड़ा है उन्होंने डिटेन किया, गुरविंदर सिंह रतनपाल सिंह उन्होंने वीडियो जोड़ा वो जज जा रहे थे, वीडियो के साफ देखे कि पानी के रुड़ के जोड़े पाकिस्तान पहुंचे थ, बार बार पाकिस्तान सरकार को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उन्होंने वापस करो, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। लेकिन हासों वाली गल जरूर है कि जोड़ा पाकिस्तान पंजाब के लगातार टैररिज्म फैलाता है ज नार्को टैररिज्म करता है, ड्रग्स आता है, उतों के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर तक एक्सैप्ट कर गए। मैं रुकना चाहूंगा, माफ करो, जवीर अख्तर जी साढ़े नाल जुड़े आ, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने, उन्होंने भी आप सवाल ले सकते हैं, तो तुम जो उन्होंने जो सवाल लेना चाहो अपने नाल जुड़े हुए हो। जावेद साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि छह लोग जो है वो स्मगलर जो है वो हीरोइन की स्मगलिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि भारत में हीरोइन बनती नहीं है, पंजाब में हीरोइन बनती नहीं है, आमतौर पर देखा जाता है आपके जो एडवाइजर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए हीरोइन आ रही है, वहां का मीडिया इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, मीडिया की बात अगर देखी जाए तो उसकी हो सकती है ओपिनियन मुख्तलिफ हो, लेकिन जो रियलिटी है उसको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पाकिस्तान रेंजर जो कि आपको पता है कि आर्मी का एक निजी इदारा है, उसने ये जरूर गिरफ्तारियां की हैं और उसके बाद रिपोर्ट हुआ है ये मीडिया के साथ भी और प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि छह जो पंजाब के जवान है, इंडिया के जवान है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास असला और दीगर जो आपको मालूम होगा नार्कोटेस्ट का वो था वो भी पकड़ा गया है। तो अब हम इसको रिपोर्ट ही कर सकते हैं इस वक्त, एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मजीद जो रियलिटी है उसका नहीं पता। अभी जैसे एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उन छह अफराद के फोटो जारी किए गए हैं जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि इंडिया से है और वो तमाम जो अगर नाम आपको मैं गिनवाना चाहूँ तो वो भी मेरे पास मौजूद है, उनके पास असला भी था, नार्कोटेक्स भी था, तो ये लेन देन भी हो सकता है। आपको पता है कि जब आप एक चीज देते हैं तो दूसरी चीज लेते हैं, इसके अंदर अगर असला वो लाए थे तो हो सकता है नार्कोटेक्स लेने लगे हो या नार्कोटेक्स वो लाए थे तो असला लेने लगे हो, तो इसलिए कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, इसलिए इन तमाम चीजों का जायजा लेना जरूरी है। अभी जब हमारे पास बाकायदा तफसीली रिपोर्ट आएगी फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो पकड़ा गया वो स्मगल होने वाला नार्कोटिक्स था और स्मगल होने वाला वेपन था, इसके अंदर जो गुरमीत शिंदर सिंह थे, जुगिंदर सिंह थे, विशाल सिंह जिनका ताल्लुक फिरोजपुर था और इसी तरह पुतनपाल और सिंह और उनका ताल्लुक जलालपुर से था और गुरविंदर सिंह जो अभी तक तहकीकात आई है उनका ताल्लुक जो है लुधियाना से था। इसलिए हम जो अभी तक रिपोर्ट है हम उसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, एनालिसिस करना अभी तक मुश्किल होगा क्योंकि जब तक हमारे पास मजीद तफसीलात नहीं आती जिसके अंदर हम डिटेल डिस्कस कर सकें कि ये जो बाकायदा क्योंकि इनकी जो अभी अदालती कार्रवाई होगी या बाकी दीगर मामला होंगे उसके तहकीकती रिपोर्ट सामने आएगी फिर ही हम जायजा ले सकते हैं कि ये असला लाए थे या नार्कोटिक्स लाए थे या दोनों चीजें ये लाए थे और आगे जिनको देना था उनके पास क्या था, उनसे करेंसी लेनी थी या दोनों चीजें इधर से ली गई और आगे उनसे करेंसी लेनी थी, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक मामला जो गिरफ्तारी का है वो सामने आया है और उसके अंदर हम यही कह सकते हैं कि गिरफ्तारी होनी। जो छह नाम आप ले रहे हो उसमें दो नाम ऐसे हैं गुरविंदर सिंह और रतनपाल सिंह, ये दो जो बच्चे हैं वो बारिश के दौरान जो अभी फ्लड आए थे पंजाब में उस दौरान बाकायदा उसका वीडियो है कि कैसे वो पानी में बह के गए, बाकायदा एक मीटिंग हुई थी जो पाकिस्तान रेंजर्स की फ्लैग मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पे ये भी बात हुई थी कि कैसे उनको वापस भेजा जाए, उनके माँ बाप रोज वहाँ सड़क पे बैठे होते हैं बॉर्डर पर जाकर, लेकिन वो उनका नाम भी इसमें इंक्लूड किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अभी अब कहना कबल अज वक्त होगा, अभी जो तफसीलात आई हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जायजा नहीं ले सकते, उसकी रीजन ये है कि जो आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपकी दुरुस्त हो सकती है। अब वो किस तरह आए थे, वो पानी के अंदर आए थे लेकिन उसके बाद तहकीकात की गई तो पता चला वो तो कोई इस तरह के मामले के लिए आए थे, वो असला या स्मगलिंग के लिए आए थे, वो तो बाद की बातें है ना। अभी जो पहली आपने रिपोर्ट बताई उसके अंदर आपने बताया कि वो पानी में वो आए थे, पानी के अंदर जरिए वो डूबते हुए आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो डूबते नहीं हुए थे, वो एज पर प्लान था और उसके बाद उसके प्लानिंग का हिस्सा था कि वो सामान भी लाए हैं कुछ और उसके बाद वो ये जब तहकीकात सामने आई तो पता चला कि ये अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहना कबल वक्त होगा, अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के ऊपर हम डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन उसका जायजा नहीं ले सकते, जायजा तो तहकीकाती कमीशन जो आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप अक्सर बॉर्डर पर भी रिपोर्टिंग आपने की होगी और
आपको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान और जो पंजाब की जो बाउंड्री है 557 किलोमीटर 557 किलोमीटर जो बाउंड्री है वहां पर चप्पे चप्पे में BSF तैनात है और पूरी तार वहां पे लगी हुई है, उस तार के अंदर करंट होता है। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि कोई बारिश में बह के कोई गया, ठीक है, और तार आए, जहाँ पे तार नहीं वहीं से जा सकते हैं ना वो, और कौन इतना बड़ा जोखिम उठाएगा कि वो बारिश के पानी में बह के पाकिस्तान चला जाएगा? इसमें भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो एक रिपोर्ट पर है, एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके अंदर 6 फोटो इशू किए गए हैं, उसके अंदर आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जैसे पहले ये बात की है उसके ऊपर भी हम यही जायजा ले सकते हैं ना। इस वक्त कुछ भी कहना कबलत वक्त होगा, लेट कमीशन डिसाइड, उसके अंदर कमीशन जो बैठेगा वो तहकीकात करेगा, तहकीकात के बाद रिपोर्ट सामने आएगी, उसके ऊपर हम जायजा ले सकते हैं कि ये तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है। अभी जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान रेंजर्स की रिपोर्ट है, उन्होंने 6 बंदे पकड़े, 6 गिरफ्तारियां हुई, उसके अंदर असला और नारकोटिक उनसे पाया गया, वो उन्होंने तफ्तीलात सामने ले आए। अब इसका जो आगे तहकीकात शुरू होगी फिर हम कुछ कह सकते हैं, अदालती कार्रवाई होती है या दीगर मामलात होते हैं फिर हम जायजा लेंगे और उसके बाद कह सकते हैं। क्योंकि हमारी, अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनल, तो मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे या कोई मेरी तहकीकात तो नहीं हुई, मैं सिर्फ एक जायजा की बात कर रहा हूं कि जायजा हम तब ले सकते हैं जब हमारे पास तहकीकात मुकम्मल तौर पर आ जाए। जी भाई जावेद साहब, आप एक बड़ी हैरानी की बात है कि ये भी सब एक आम इंसान को पता होगा जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो उसको पता होगा कि जो ड्रग्स जो है वो अफगानिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तान ट्रांजिट जो रूट है पाकिस्तान के जरिए भारत आते हैं, भारत से फिर वो अन्य देशों में जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि पंजाब से इंडिया से पाकिस्तान को ड्रग्स जाए? ये तो इसमें देखो मतलब एक मजाक लग रहा है ना, कोई अगर प्रेस नोट आया भी है तो इसपे भी तो सवाल उठने चाहिए कि जो ड्रग्स का एक रूट बना हुआ है उल्टा रूट वहां पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान, जितना मुझे पता है, पाकिस्तान कोई कंज्यूम नहीं करता ड्रग्स, पाकिस्तान में काफी कम लोग जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में या पंजाब में वो कम ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि जो पंजाब की औरतें पाकिस्तान में ड्रग्स भेजे जाए? इससे क्या मजाक लग रहा है? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मजाक लग रहा है, मैं इसको मजाक नहीं कहता, मैं इसको एक हकीकत से तस्वीर देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे बैठा हूं लाहौर में, इस वक्त लाहौर के अंदर भी गंदम बोई जाती है और सिंध के अंदर भी गंदम बोई जाती है, वहां पर भी अल्लाह आपका भला करे आम बोया जाता है और यहाँ पर भी आम बोया जाता है। अगर यहाँ का आम वहां पे सप्लाई करें और वहां का आम यहाँ पे सप्लाई करें, हम ये तो नहीं कह सकते कि यार ये एक मजाक है। अब ये हर किसी की अपनी वो चीज है कि अगर उनको ये चीज रिक्वायर्ड होगी तो वो लेके आए होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको ये भी बताया कि हो सकता है वो वेपन लाए हो और यहाँ से नारकोटिक्स का तबादला होना हो, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। इसको आप मजाक कहें या सीरियस लें ये तो बाद की बातें हैं ना। अब एक बंदा वो कैश लाए थे, वो असला लाए थे, या तीसरी चीज वो नारकोटिक्स लाए थे, ये तो कोई भी नहीं लिखा हुआ। ये कहा गया कि आम और हीरोइन में बड़ा फर्क है, आपकी खेती पाकिस्तान में भी होती है, पंजाब में भी होती है, इंडिया में भी होती है, लेकिन हीरोइन की खेती जो है ना तो पाकिस्तान में होती है ना इंडिया में होती है, वो तो अफगानिस्तान में बन रही है ना, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में आती है। आप कैसे सोच सकते हैं कि पंजाब से इंडिया से जो हीरोइन है वो पाकिस्तान में जा रही है? दूसरा, ड्रग्स की बात करते हैं, जितने भी केसेस हमने देखे हैं बॉर्डर पर, जब भी कोई ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो ड्रग्स स्मगलर को अक्सर हथियार भी उसके साथ मुहैया किए जाते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना जाए। जो गैंगस्टर्स हैं यहाँ के, जब जो नेक्सस खालिस्तानियों के साथ बनाया जाता है उसमें अक्सर हथियार भी भेजे जाते हैं। भारत में तो कोई इलीगल वेपन की तो ऐसी कोई खास है नहीं है फैक्ट्रीज ना, यहाँ पे हीरोइन है, दावा कर सकते हैं कि यहाँ से हीरोइन वहां जा सकती है। ये तो आप कह सकते हैं कि फिर भारत में तो कोई क्राइम भी जीरो है, भारत के अंदर तो जालत भी जीरो है, भारत के अंदर तो सफाई का बड़ा इंतजाम है, भारत तो अभी अमेरिका से मुकाबला करने वाला है, भारत तो बिल्कुल जंग के लिए भी तैयार है, भारत के अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। ये तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, एक दवाई है फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन है। मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात मुकम्मल होने दें। एक मिसाल कह रहा हूँ, एक दवाई है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रीन, पंजाब के अंदर मौजूद थी, ठीक है, लेकिन वो सिंध के अंदर शॉर्टेज हो गई, हालांकि बनती सिंध में थी लेकिन पंजाब के अंदर वाफर मकदार में मौजूद थी, तो हमें पंजाब से वापस सिंध भेजना पड़ी। मैं अपने सूबों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपके पास हो सकता है मंशियात वाफर मकदार में मौजूद हो और शॉर्टेज यहाँ पे हो गई हो, क्योंकि इनका आपस में तो ताल्लुक होता है ना, तो इन्होंने कहा ठीक है इधर से वापस उठा लेते हैं। तो ये आप कमाल की बात करते हैं, आप इसको मजाक ना करें, आप इसको हकीकत समझें कि ये खबर है, इसको मजाक नहीं हो रहा, आप इसको हकीकत ले। हो सकते हैं वहां पे शॉर्टेज हुई और वहां पे वाफर मकदार में बड़ी होती है। आपने ये तो मान लिया कि भारत जो है एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा है, अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और हम लोग जो है वो तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड में बनने जा रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच सही है। और
आप गरीबी गुरबत की बात करते हो, ठीक है, गरीबी गरीबी भारत में भी या पाकिस्तान में भी, बात हो रही है कि हीरोइन की, जो हीरोइन अभी आप मुझे बोल रहे थे कि आप टोक रहे हैं, मुझे तो बोलने दो आप, हीरोइन जो है वो पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान से आती है, या आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे ना, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जरिए जो हीरोइन जो है वो आती है। और कल की बात करें 150 करोड़ की हीरोइन फिरोजपुर बॉर्डर पर पकड़ी गई है, क्या वो भी हम लोग लेके गए थे वहां पे? आप इसलिए क्लियर समझिए कि पाकिस्तान जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हीरोइन बना रहा है, अफगानिस्तान में बनती है, अफगानिस्तान में बाकायदा लेबोरेटरी सेटअप की गई है, और जो तालिबान है वो भी इसको पैटर्नाइज करता है, जो ड्रग्स की खेती होती है। मैं हम तो ये नहीं आप पे आरोप लगा रहे, पाकिस्तान ट्रांजिट कैंप है, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसको मान रहा है, आप इसको कैसे जुटा सकते हैं? अभी पहली बात तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मैंने मजाक उड़ाया था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोग अमेरिका से मुकाबला करने वाले हैं, आपकी जरूरत नहीं है कि इंडिया अमेरिका से मुकाबले की बात भी करे, क्योंकि जो बाइडन आता है तो आप उसको पूछना शुरू कर देते हैं, ट्रंप आता है तो आप उसको पूछना शुरू कर देते हैं, आपके तो बल्कि वो भगवान होते हैं। मैं पहले बात ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि कहां पर बीजी जाती है, कहां पर, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया कि एक जहां पे शॉर्टेज होती है, अगर दूसरी जगह पे वाफर मिकदार पे पड़ी है तो वहां पे मुंतकिल की जा सकती है। ये आप बात क्यों नहीं समझना चाह रहे या सुनना नहीं चाह रहे? जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, उन्होंने कसूर में एक बयान दिया था, आप भी प्लीज सुनिए, आप भी सुनिए उसमें क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि उनका दावा था कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है वो ड्रग्स जो है वो यहाँ से जाते हैं। बड़ी चिंता की बात है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान जो है ड्रग्स, और दोनों देशों को मिलकर इस जो जो ड्रग्स की लड़ाई है दोनों को मिलकर लड़नी चाहिए, तो उसमें आप भी तो इत्तेफाक रखें कि पाकिस्तान भी इसमें विक्टिम बनता है कहीं ना कहीं जो है। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से ड्रग्स ला रहे हैं तो पाकिस्तान रोकने में तो सक्षम है ना यार, कैपेबल के उसको रोक सकते हैं। आप प्ले कर रहे हैं या आपने सवाल कर दिया? जावेद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के आपके जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, साउंड बाइट चलाने लगे हैं, मैं इसलिए वेट कर गया था, मैंने आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं उसको सुनाना चाहूंगा, उस बयान को सुनाना चाहूंगा, आप भी सुन सकते हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर फरिश्ता नहीं है, भगवान नहीं है, और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तश्वीशनाक है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर, लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल कैमरा, मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है, हम कोशिश करके फिर। मलिक साहब, इसकी क्या वजह? ये रेंजर्स एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तश्वीशनाक है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर, लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल कैमरा, मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है, हम कोशिश करके फिर। जावेद साहब, आपने भी ये बयान सुना, और मैं आपको थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ पिछले एक साल में 1240 किलोग्राम हीरोइन जो है जिसकी कीमत 6000 करोड़ है, वो हीरोइन जो है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर पकड़ी जा चुकी है। क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन है? क्योंकि बार बार आपके जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके, वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ा सीरियस मैटर है और हम दोनों मुल्कों को मिलकर इसको रोकना चाहिए। मैं भी बिल्कुल रोकना चाहिए, गलत काम को तो हर जगह पे रोकना चाहिए, लेकिन आप अभी पता क्या कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि किसी तरह से हम इंडिया को जिता दें और पाकिस्तान को हरा दें। भाई मंशियात चीज ही गलत है, इसको खत्म होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए।
अगर कोई आपकी तरफ गलत करता है तो उसको गलत कहते हुए क्यों आपको परेशानी होती है? हमारी तरफ कोई गलत करते तो हम उसे कहते हुए नहीं थकेंगे कि गलत बात है। आप पहले तो ये डिक्लेयर करें, अपने माइंड को क्लियर कर लें कि भाई जहां पे भी गलत हुआ है वो गलत है। अभी आप पता क्या साबित करने लगे हैं कि इधर से जा ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं जा सकती, तो उसको किसी और तरीके से प्रूव करें, अपने तहकीकाती कमीशन भेजें, वो यहाँ पे आके तहकीकात करवाए, मतलब कोई इस तरह का मुतालबा करें। हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं हम तो गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गलत की बात नहीं है, मैं कैसे मान सकते हैं कि पंजाब से भारत से ड्रग्स उधर जाते हैं जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान का बॉर्डर पंजाब के साथ नहीं लगता? आप भी तो दलील से बात करें ना, हम भी चाहते हैं, हम मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हर बशिंदा इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के कुछ स्मगलर्स इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के कुछ जो फैमिलीज है ट्रेडिशनली इसमें इन्वॉल्व है, हम पूरे पाकिस्तान को तो बदनाम नहीं कर रहे हैं। चले मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके अंदर पॉइंट क्या थे, उसके अंदर पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर स्मगल की जा रही थी, नंबर वन, इसमें नहीं था कि वो इंडिया से स्मगल हुई है, नंबर टू ये नहीं लिखा हुआ कि कहां से स्मगल हुई है, ये लिखा हुआ कि पाकिस्तान में स्मगल की जा रही थी, और ये स्मगलर का ताल्लुक जो था, ये जो बंदे पकड़े गए हैं इनका ताल्लुक इंडिया से था। कहां पे आपको ये बात पॉइंट पता चला है कि ये जनाब फलाने बॉर्डर से अंदर एंटर हुए थे और यहाँ पे आए थे? उनके अंदर ये प्रेस रिलीज के अंदर पॉइंट है कि ये स्मगल की जा रही थी और स्मगलर जो थे, ये जो छह बंदे जिनकी तस्वीरें बताई गई हैं, ये बंदे थे उसके अंदर शामिल, दैट्स इट। इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंजाब की फलानी जगह से उन्होंने पैकिंग करवाई है, वहां से निकले और वहां से उन्होंने फलाने बॉर्डर को क्रॉस किया और वहां पे ये किया। आप प्लीज ये जरा पहले वो करने क्लियर करने चीजों को, उसके बाद करते हैं। बिल्कुल रही बात जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो हीरोइन पाकिस्तान में फ्रीली मिल रही है वो यहाँ से कौन रिस्क लेके वहां देने जाएगा? आप मान लो आप हथियार की बात करो, आप किसी और चीज की बात करो, मैं मान सकता हूँ। हीरोइन जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से बड़ी फ्रीली आ रही है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में काफी कम है, जब वो हीरोइन पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आती है, यहाँ से विदेश जाती है, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए पर केजी हो जाती है। और जो हीरोइन जो आपके 5 करोड़ की हीरोइन पाकिस्तान कौन देने जाएगा अगर वहाँ पे 5 लाख की हीरोइन वहाँ पे अवेलेबल है? इसमें भी तो लॉजिक नहीं है ना कोई। चले लॉजिक की बात कर लेते हैं। आपने अब मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है, ये नहीं करना कि आपने वो करना है कि बस मैंने जीतना है। आप भी मीडिया से, मैं भी मीडिया से, अब हम लॉजिक की बात करते हैं। वो कहाँ पे उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि वो लेके आ रहे थे, उनका मुंह किस तरफ था? हो सकता है वो अभी लेके जा रहे हो वापस, अल्लाह के नेक बंदे आप ये भी तो देखे ना, वो लेके यहाँ से पड़ जाते हो फिर क्या करेंगे आप? चले जी मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि जनाब आप धन्य हो गए, आप तो जीत गए, हम हार गए। ओ भाई ये आप देखें स्मगलर पकड़े गए हैं, बैड बरकत पकड़े गए हैं, गलत काम करने वाले पकड़े गए हैं, उनके पास असला था, उनके पास नारकोटिक्स थी, दैट्स इट। पॉइंट आप ये कहें ना, आप कहें जी उनका तो, अब आप या तो नहीं कह सकते कि इंडिया से ताल्लुक ही नहीं था, वो जो लोग आपने 6 शक्लें दिखाई हैं वो उनका तो जमन पला नहीं वहीं पे हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, ये तो नहीं कह सकते ना। बात यह है कि स्मगलर पकड़े गए हैं, बात क्या है कि नारकोटिक्स उनके पास थी, बात यह है कि वेपन उनके पास था, दैट्स इट। क्लियर कर लें पहले कि उनके पास ये चीजें पकड़ी गई हैं। अब आगे चलते हैं, अपनी तहकीकाती कमीशन भेजें, लोग भेजें, यहाँ पे इधर के तहकीकाती लोग बैठे वो मिलकर काम करें और फैसला करें। अभी आप और मैं जावेद साहब उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान सरकार भी जो है वो मिलके इस बात का समाधान निकाले, दोनों देशों में जो टेररिज्म हो रहा है, जहाँ नार्को टेररिज्म है, क्योंकि पंजाब में पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 200 बच्चे जो उनकी जान जा चुकी है, 200 से ज्यादा बच्चों की, तो हम उम्मीद करेंगे दोनों देश जो है वो दोनों मिलके कम से कम इस बात की सच्चाई तक पहुंचे कि आखिर ये कौन शख्स थे, क्या इनकी मंशा थी, कैसे गए। लेकिन जो दो शख्स आप जो फोटो आपने रिलीज की है उसमें जो 2 बच्चे हैं उनका बकायदा वीडियो है कि वो बारिश में, बाढ़ में, फ्लड्स में बहकर पाकिस्तान गए थे, तो मुझे लगता है आप भी इस पे इत्तेफाक रखेंगे कि जो भी इसकी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं भी यही चाहता हूँ, थैंक यू, यही चाहता हूँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ कि गलत काम खत्म हो और गलतियाँ खत्म हो, गलत लोगों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए, वो जो भी है।
डिसीजन मेकर जो है वो ये बैठ के दोनों से सोचे, इंडिया वाले भी और पाकिस्तान वाले भी, कि इस गंद को कैसे खत्म करना है, नार्को टेस्ट को कैसे खत्म करना है, वेपन के इस्तेमाल को गलत को कैसे खत्म करना है। दैट्स इट। ये कम कहें कि जी उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, उन्होंने फलानी जगह से ली, फलानी जगह से ली, गलत है। आपकी तरफ से नहीं था तब भी गलत है, हमारी तरफ से नहीं तब भी गलत है। चीज गलत है, नार्को टेस्ट मामला गलत है, वेपन गलत इस्तेमाल होना है उसका गलत है। आप गलत चीज को नहीं कह रहे, आप गलत मामले को दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं। बनती कहाँ है, बाढ़ में जाए जाए बम गिराए वहां पे नहीं बनती। भारत इतना सारा है क्यों नहीं खत्म की वहां पे? भारत का तो बड़ा असर सूखता है अफगानिस्तान के अंदर, इतने सालों से वहां पे पता नहीं क्या कुछ कर लिया, नमक तक चोरी कर लिया उसका। तो वहां पे हीरोइन भी खत्म कर देनी थी, ये मामला भी खत्म कर देना था, तब भी अच्छे बन जाते। अभी आप क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है जगदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम साढ़े नाल जुड़े इस मसले के उत्ते गलबात की। जगदीप जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले के उत्ते गलबात करन दे लई। तां दो जो सूबे नाल नाल लगते हैं तो उन्होंने दो देशों के इस तरह का जिक्र होना बहुत जरूरी सीगा, क्योंकि ये मसला दो देशों के नाल जुड़िया हुआ, दो सरहदों के नाल जुड़िया हुआ। पाकिस्तान वाले पास्यों जिहड़ा नशा पंजाब दे विच आउंदा चढ़दे पंजाब दे विच, तो फिर इल्जाम पाकिस्तान के उत्ते लगते हैं कि इस देश की जिहड़ी नौजवानी है उन्होंने बर्बाद करने विच पाकिस्तान की वड्डी भूमिका है। तो इस तरह के इल्जाम पाकिस्तान के वल्लों भी कदे कदे भारत ते लगाए जाते हैं, पर ये जो डिस्कशन सीगी इसका मतलब यही सीगा कि कोई गलत जेकर उत्थे फसाया जा रहा तो अजिहा नहीं होना चाहिए। जिवें दो आपां नौजवानों का जिक्र किया, जो पानी दे विच तैर के पाकिस्तान चले गए सी, फिर उन्हां दे परिवारक मैंबरां दी रेंजरां दे नाल जिहड़ी मीटिंग भी हुई, जिहड़े भारत दे रेंजर सी पाकिस्तान दे रेंजर सी उन्हां दी मीटिंग भी हुंदी है, पर सहमति नहीं बनी सी, उन्हां नूं छड्डण ते पाकिस्तान राजी नहीं होया। इस करके अजिहा नहीं होना चाहिए कि जिहड़े नौजवान ने या लोग है वो बिना कसूर किसी केस दे विच फसा दिते जाण ते उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी आ वो बर्बाद हो जाए। और नशा इहदा भी हल होना चाहिए, चाहे किसी देश दे वासों वी दूसरे देश दे विच नशा भेजा जा रहा होवे, ये नहीं होना चाहिए। नौजवानी भी बर्बाद हो रही है, लोगों दीआं जड़ां दे विच भी नशा बहिंदा जा रहा है।